अब मैं आपको अंधाइयों के कुछ किस्से सुनाऊंगा एंड कुछ एक दो बातें कहूंगा। अब क्या है कि अलकाजी सामने होते तो कहने लगा, अलकाजी से जो हमने सीखा देख के, हम बेसिकली चोर आदमी हैं, हम देख के बहुत सीखते, तो एक तो ये सीखा कि औरतों को बहुत डांटना चाहिए। मैंने पहले प्लेस से जो डांटना शुरू किया कि अलकाजी जितना डांटते थे उससे ज्यादा डांटता था और औरतें बहुत सहयोग देती थी डांट खाने के बाद। धर्मवीर भारती उस समय बम्बई आ गए थे, उन्होंने कहीं पे ये प्रोडक्शन भारतीय विद्या भवन में जो पहला शो हुआ था, सोल्ड आउट शो था 30 यूनिट का और वेटिंग फॉर गोडो, वो देखा था। तो वो एक दिन क्या कहते हैं खोजते हुए आए, तो एक 30 यूनिट में एक सज्जन हुआ करते थे, आपको याद होगा, अब्दुल शकूर करके, उनको जब दिखना शुरू हुआ ठीक से, जब उनके चश्मे बदलवाए तो उसके बाद उनका हार्ट फेल हो गया, वो मर गए। तो वो धर्मवीर भारती वहां पहुंच गए, तो ये जो भी पर्दे का रेफरेंस था ना, तो पहले मरते फर्स्ट एक्ट के बाद उन्होंने अपने से, आप लोग पर्दे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते क्या? He never seen it. तो वो तो ओपन थिएटर था टेरिस पे फूलाभाई इंस्टीट्यूट के, और वो जाके उन्होंने उस नाटक का रिव्यू लिखा धर्मयुग में, एंड क्योंकि उस समय धर्मयुग बड़ी मैगजीन थी और बाद में बड़ी होती गई, तो वो तो जब वो बैकस्टेज मिलने आया तो हमने कहा, क्योंकि तब तक तो अंधायुग बहुत पढ़ चुका था, और उसके साथ ही क्या हुआ था कि अंधायुग के बाद एक एक करके भारती जी की सारी कृतियां मुझे मिलती गई। आई मीन देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट द वर्ड्स, और भारती जी के सब कविताएं याद थी, ये वो, और ये वीके शर्मा बहुत अच्छा बोलते ना, अमरीश पुरी हुम आई एडमिट एट नाटिसन was a technically Alkazi student over there, I was the other teacher over there. तो उनको यहाँ ले आया अंधायुग में, और ये पता था कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं, बॉडी तो उसकी इतनी अच्छी है, एक दुपट्टा पहना दो, ऑल द मैन जस्ट हैड, कुछ था ही नहीं, हाथ में कुछ जो बांध दिया, वेरी सिंपल। सो वो थे, और नीना करके एक लड़की थी जो बाद में फॉरगॉटन हर सरनेम, शी वाज द फर्स्ट गांधारी, वो सड़क पे जा रही थी, हमारी गांधारी जो इकबाल कासिम थी, वो क्या हुआ उस समय वसी खान ने वो प्ले शुरू किया था, वो पीएल देशपांडे का, क्या नाम है, तुझा है तुझा पश, अब उसमें सबको उसने जैसे ऊंचे सुर में कॉमेडी सब लोग ऊंचे सुर में कराते हैं, तो इकबाल कासिम वुड गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन दिस कामयूज प्ले, उनकी पट्टी आवाज की चली गई, अब वो सुधार रहे हैं पट्टी, उसके बाद उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वेरी लवली पर्सन है मेरा। तो अब हम एक दिन शाम को गुजर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल वो इनके सामने वो एक ईरानी रेस्तरां रहा करता था इनके घर के सामने, तो एक लगे सुबह वेर आर यू, ये वो कहीं मुलाकात हुई थी, लुक आई वांट टू एक्ट यू इन गिव मी रूम, आइए चल देते थे रूम, उसी वक्त गांधारी शी डिड अ गुड गांधारी, आई मीन देयर वाज नो अदर थिंग। उसमें फिर और कॉमेडी हुई एक जो बड़े बाद में फिल्म स्टार बने राजेश खन्ना, बहुत मैंने तो उनको बीके शर्मा के ग्रुप के थे, यू सी देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड, यू हैड टू, सो बीके शर्मा वाज बीइंग लॉयल टू मी, आई हैड टू एक्सेप्ट वन ऑफ हिज थिंग। सो क्या कहते हैं, राजेश खन्ना को हमने गूंगा सैनिक बनाया हुआ था। तो वो उसमें भी वो एक दिन रिहर्सल वगैरह में आए नहीं, तो दिमाग को हमारा वो शाउटिंग की आदत तो थी, हमने उनको निकाल दिया, तो फिर उसके बारे में बड़ी पॉलिटिक्स हुई है वो, तो फिर से हमने दोबारा उनको गूंगा सैनिक का रोल दिया। आपने दिल्ली भी आए थे, वो कलकत्ता भी आए थे, जहां से जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ तकलीफों का। सो दिस इज द व्हाट आई रिमेम्बर ऑफ द, क्या कहते हैं, दिस थिंग।